ये देख रहे हैं कि अगर किसी की बल्लेबाजी में टेक्निकल कोई इशू है तो वो ग्राउंड पे कम जिम में ज्यादा दिख रहा है। टाइम टाइम की बात है, टाइम बदल गया है। तो हमारे टाइम में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे जितना ज़्यादा ग्राउंड पे रहे, जितना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, चाहे वो फील्डिंग प्रैक्टिस हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो उसको जितना इम्प्रूव कर सके, क्योंकि एंड में मेरे वो काम ज़्यादा आनी है, जी जिम वाला काम कम आना। हाँ, जिम से एक फ़ायदा हो सकता है कि मैं 10 साल की बजाय 15 साल या 20 साल खेल सकता हूँ, वो ज़रूर है, वो होना चाहिए, लेकिन वो बॉडी टू बॉडी होना चाहिए कि अगर मेरी बॉडी अलाउ करती है मुझे इतनी एक्सरसाइज करना या ये जिम वेट लिफ्टिंग करना, तो मुझे वो करनी चाहिए। नहीं अलाउ करती, मुझे पता है मेरे को बैक प्रॉब्लम है या मेरे को नी प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो उतनी ही एक्सरसाइजें करनी चाहिए। आई थिंक स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि बीच में इंडियन टीम में एक ट्रेंड ये भी आया था कि अगर आप यो-यो टेस्ट फेल हो गए हो तो आपको इंडियन टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हमारे टाइम में ये होता तो हमारे बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी वो टीम का पार्ट ही नहीं होते, क्योंकि वो यो-यो टेस्ट कभी नहीं पास कर पाते। तो वो समय स्किल्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आज भी स्किल ही है। आपको मैच कौन जिताएगा? जो अच्छा खेलेगा वो जिताएगा, जो अच्छा भागेगा वो जिताएगा। भागने वाला अगर चाहिए तो फिर वो मैराथन में दौड़ा लो उसे, क्रिकेट खिलाने की क्या ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है। गालियों से बात शुरू हुई जो आपके उसकी, लेकिन उसके बाद तो ये भी कहानियां हैं कि आप फिर उनको गाने सुनाते थे प्लेयर्स को फील्ड कभी, में। हाँ मतलब गालियां तो एक हद तक ही दे सकते हैं ना। मैंने 309 रन बनाए, 254 बनाए, 201 रन बनाए, तो अब हाँ पहले 10 मिनट पहले 100 रन तक गालियां दे सकते हो, उसके बाद तो फिर भाईचारा बन ही जाता है कि यार अब कितनी गालियां दोगे। मुझे याद है एक यासिर हमीद करके एक खिलाड़ी था, जब हम लोग पाकिस्तान गए 2004 में, तो वो जब मैंने 300 रन बनाया तो वो हमें लिफ्ट में मिला, तो मुझे वो बोला कि यार मैं इस मैच में तो आउट हो गया तुमसे, अगले दोनों मैचों में तुमसे आउट ही नहीं होने वाला, तुम देख लगना मुझे कैसे आउट करोगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं उसके अच्छा तू डॉन ब्रैडमैन है, तो मैं उसे पूरे टूर पे ना डॉन ब्रैडमैन कहता रहा, डॉन ब्रैडमैन क्या हाल है, डॉन ब्रैडमैन। और उसके उसने ना कोई रन नहीं बनाया अगले दो टेस्ट मैचेस में, तो वो जब जब आउट होता था मैं उसे कहता रहा डॉन ब्रैडमैन तू तो आउट हो गया है। तो उसने बाद में हाथ जोड़ लिया कि भाई यार तू मुझे डॉन ब्रैडमैन कहना बंद कर, मेरी बहुत बेइज्जती होगी अब तू मुझे डॉन ब्रैडमैन। तो कभी कभी ऐसा होता है गाली ना देके कुछ ऐसी बातें भी कह दो जो चुभती तो है ना, तो फिर उनको ठीक करने के लिए गाने भी गाने हैं। मतलब अगर सखम दिया है तो मल्लम भी तो मैं ही लगाऊंगा। तो कभी कभी गाने भी सुना देते थे, कामरान अकमल थे या वो यासिर रमी थे, शॉर्ट लेग स्लिप एंड बैठते थे, तो मैं गुनगुना रहा होता था, कह देते यार हमारे लिए भी एक गाना गुनगुना दे। मैच के दौरान ही खेलते खेलते? मैं बाहर तो गाता नहीं था, खेलते खेलते ही गाता, बैटिंग करते वक्त गाता था, फील्डिंग करते वक्त भी नहीं गाता। फील्डिंग करते वक्त अंपायर्स होते थे, तो फील्डिंग करते हुए अंपायर के साथ बातें करता था, थोड़ी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाती थी। पाजी आपके नाम 2 3 शतक है, 2 ट्रिपल सेंचुरी आपने लगाई, तीसरा थोड़ा सा चूक गए। एक आपने बात सचिन पाजी से शेयर की थी ड्रेसिंग रूम में कि अगर इस बार मैंने 13 लगा लिया तो एक मिशन था कि मैं आपको दूंगा। पाजी क्या बता पाएंगे कि क्या बातें हुई थी आपकी सचिन पाजी के साथ? वो मिशन तो सक्सेसफुल हो गया बगैर सचिन के, तो उसका बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ ये ज़रूर है मुझे एक ही लाइफ में अगर मलाल रहा कि मैंने एक बार लाइफ में कुछ करना चाहा क्रिकेट की फील्ड पर, वो था कि जब मैं तीसरी सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी बनाने की, वो मेरी इच्छा थी कि मैं ये बनाऊं और मैं जो मेरा काम था वो सचिन से करूं, बट वो हो ही नहीं पाया, तो 293 पे आउट हो गया, तो ना मैंने उनको वो काम बोला, बट मैंने उनसे ये प्रॉमिस ज़रूर लिया अगर मैं ये 3rd ट्रिपल सेंचुरी बनाता हूँ तो आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत पूछा कि भाई क्या वैसे कमिटमेंट नहीं देते कि भाई नहीं क्या काम है क्या काम है। मैंने कहा नहीं, आप पहले कमिट करो कि आप करोगे, मैं ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मैं गलत काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तू बनाता है तो मैं तेरे लिए वो काम कर दूंगा, तो बट वो बना ही नहीं पाया, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं की वो काम की, तो बट अब वो काम हो गया तो फिर उसके बारे में चर्चा क्यों करनी है, तो सीक्रेट है, सीक्रेट ही सीक्रेट ही। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी 309 रन जो बनाए वो मैं 300 बनाना नहीं चाहता था पाकिस्तान के, वो सर मैं उनको मारना चाहता था, पिटाई करना चाहता था, पिटाई करते करते 300 बनना। 2 सेकंड ट्रिपल सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब बनाई 319, तो टी टाइम तक 170-180 पे मैं इतना थक गया था कि मैंने सिर्फ सिर्फ लप्पेबाजी की, मतलब टेस्ट मैच में जैसे T20 खेलते हैं ना, 20-20 रन एक एक ओवर में मारे और पता चला टी हो गई, फिर थोड़ी देर बाद आया तो 250 पे पहुँच गया, तो ऑटोमेटिकली 300 रन बन गए, तो वो बनाना ही नहीं गया मैं, 300 रन एक ही बार बनाने का जो बने नहीं। और एक बार ट्रिपल सेंचुरी आपने इसलिए मारी थी कि आपको मसाज करवाना था किसी से? हाँ वो भी मतलब ये था कि एंड्रू लीपस हमारा फिजियो था, तो वो कभी मसाज नहीं करता था प्लेयर को, वो मैश्योर के पास भेजता था। तो मैंने कहा यार मेरी बैक बहुत सोर है, मसाजर को पता नहीं है, क्योंकि माने का हमारे एक मसाजर होते, तो वो अपने देसी थे, बस तेल लगाया और घसीट दिया हाथ, तो उन्हें नहीं पता कौन सी मसल कौन सा टेंडन क्या है,
तो मैंने कहा एटलीस्ट तू करेगा तो तुझे पता है कि कौन सी मसल है, कौन सा टेंडेंट है, कहाँ पर ग्लूट मसल होती है। मैंने कहा उन्हें क्या बताऊँ मैं, ग्लूट मसल उनको बोला, ग्लूट मसल तो हैमस्ट्रिंग पे चढ़ जाते थे, तो उनको मसाज का मतलब है कि तेल लगाओ और हाथ से रगड़ दो बस। तो वो उन्होंने बोला अगर तू 300 बनाएगा तो मैं तेरे को मसाज करूँगा। तो एक वो रीज़न भी था कि चलो 300 हो गया तो मसाज मिल जाएगी। कितने घंटे मसाज कराए आपने? हाँ तो उन्होंने दी दी हाँ उन्होंने एंड्रू लिपस ने 1 घंटा मसाज दी, बट 1 घंटे की जगह मैंने 1.5 घंटा कराया। मैंने कहा यार आधा घंटा तो फालतू बनता है। ये इंग्लिश का फिर क्यों, आपने कहा ना कि एम्पायर से इसलिए बात करते थे कि भाई इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, क्यों ऐसा क्या शौक था, ये क्यों करनी थी? नहीं देखिए अब जब आप अंपायर से बात करते हो तो आप अंपायर के फेवरेट भी हो जाते हो, थोड़ी उसकी तारीफ भी करते हो, व्हाट यू आर वेरी गुड अंपायर। तो कभी कभी सचिन को गलत आउट दिया तो मैंने कहा यू आर राइट, यू नो, सो ही वाज डिसअपॉइंटेड बट यू आर राइट, योर डिसीजन वाज स्पॉट ऑन। एंड तो उस चक्कर में आपको एक दो बार आउट नहीं देता क्योंकि आप उसके फेवरेट हो जाते हो। अगर आप अंपायर के फेवरेट हो गए, जैसे रूडी कस्टन एक अंपायर थे, डेविड शेफर्ड एक अंपायर थे, तो ये जब मैं बैटिंग करता था तो मैं लप्पा मारता था ना, तो वो जब मैं उनके पास खड़ा होता तो मेरे को कोनी मारते थे ऐसे जोर से कि आई वांट टू सी योर बैटिंग एंड आई डोंट हिट इन द एयर। आई सेड ओके, तो एटलीस्ट ये तो श्योर हो गया कि पैड पे जो क्लोज अपील होगी वो मैं आउट नहीं होने वाला हूँ क्योंकि उसको मेरी बैटिंग देखनी है। तो वो फायदा मिल जाता कभी कभी अंपायर। आज वो दिन मिस करते हैं आप सचिन पाजी, युवराज, भज्जी पाजी? आज मैं उनकी कंपनी मिस करता हूँ बट खेलना कभी नहीं मिस करता, क्योंकि मैं मेरे शरीर में इतने दर्द हैं कि दोबारा खेलने जाता हूँ दर्द वापस आ जाते हैं तो वो फिर गलत है। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा मतलब उनको थ्रो डाउन कराता हूँ तो मेरा कंधे 2 शोल्डर सर्जरी हुई है राइट शोल्डर की, उन्हीं से थ्रो डाउन कराना पड़ता है, तो 10-10 मिनट बांटे हुए हैं कि बस उससे ज़्यादा मैं थ्रो नहीं मार सकता, उससे ज़्यादा मारा तो मेरा दर्द वापस आ जाएगा कंधे का। बट क्या है कि 2 बच्चे हैं, एक को अगर ज़्यादा करा दी तो वो टाइम नोट करते हैं कि भाई उसको 12 मिनट कराई तो मुझे भी 12 मिनट कराओ, तो मुझे टाइमर लगाना पड़ता है कि 9-10 मिनट का बस उतनी। बट उनसे मिलना मिस हो जाता है कि कभी कभी मिलते हैं तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, पुरानी बातें यादें ताज़ा हो जाती हैं, मज़ा आता है वो पुराने दिन याद करके। बच्चों वो अच्छे दिन, बच्चों को क्रिकेटर, अच्छे दिन याद, क्रिकेटर बनेंगे बच्चे? खेल रहे हैं उनकी मर्जी है, तो मैंने उन्हें फुटबॉल भी खिलाया, स्विमिंग भी सिखाई और क्रिकेट भी। तो अब क्रिकेट अगर वो प्रस्यू करना चाहते हैं क्यों नहीं, बट ये यहाँ पर कोई नेपोटिज्म नहीं है कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे, वो प्लेयर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में ना कोई शॉर्टकट नहीं है, तो उन्हें उतने साल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वो जूनियर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर वो अच्छा खेलेंगे, परफॉर्मेंस देंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाप के नाम पे वो आगे चले जाएंगे, तो खुद उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। भारतीय टीम को कई बल्लेबाज मिले जो आक्रामक खेलना चाहते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन एक सोच है विरूपाजी जो आप लेके खेलते थे, उस सोच का बल्लेबाज आपको टीम इंडिया में कोई दिख रहा है कि हाँ ये मेरी तरह सोच रहा है, ये पहली गेंद से लप्पा मारेगा? पता नहीं, मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई प्लेयर है, बट अगर 2 प्लेयर क्लोज आए तो एक पृथ्वी शॉ है, एक ऋषभ पंत। सो ऋषभ पंत मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टेस्ट मैचेस में खेलता था थोड़ा बहुत वो उसके करीब है, बट वो क्या है कि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं 90-100 पे, सो मैं सेटिस्फाई होता था 200-250-300 पे, तो उनको अगर वो वहाँ तक लेके जाएंगे तो और ज़्यादा एंटरटेनमेंट देंगे मुझे ऐसा लगता है। पाजी खतरों के खिलाड़ी आपको कहा जाता है, आप 94 पे होते हो, लोग कहते हैं भाई धीरे से मार सेंचुरी पूरी कर लो, लेकिन आपको मारना छक्के सही है, तो ये जब सचिन पाजी भी कहते थे कि मेरे रुक जा सेंचुरी पूरी कर ले, तो ये जिद क्या थी? नहीं भैया मारूंगा तो यूं ही। नहीं जिद नहीं थी कि मैंने जैसे बताया मैं टेनिस बॉल में ना चौके छक्के गिनता था कि कितने मारने तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वही है कि कितने चौके छक्के मारने 100 तक पहुंचने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 90 पे पहुंच गया हूं और 100 तक पहुंचने के लिए मुझे 10 बॉलें खेलनी है, 1-1 रन लेनी है, 10 बार अपॉर्चुनिटी है मेरे आउट होने की, बट अगर 2 बॉल पर रिस्क लेके मैंने मारा तो अपॉर्चुनिटी 2 ही बार तो है, सो परसेंटेज 20% आ गया 100 से, सो 20% चांस आउट होने के, बट लेकिन सक्सेस होने के तो पूरे चांस हैं। तो वो था कि जितनी जल्दी आप 90 से निकल जाओ उतना बढ़िया है, उतना कम प्रेशर है, तो मे भी कभी कभी शायद इसलिए वो मुझे रोकते थे कि मैं आउट भी तो हुआ हूँ 90s में, कि मुझे किस्सा याद आता है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे तो मैंने 195 तक पहुँचने से पहले मैंने 2 छक्के लगाए कैटेज को और मैं 195 पहुँचा, तो मैंने कहा तीसरा भी मार देता हूँ, लेवनिया बॉलर है, तो मैंने फिर मारा और मैं आउट हो गया, तो 195 आउट होकर वापस आया, तो वो टेस्ट मैच हार गए हम, तो हम लोग अच्छे बोले 300 कुछ पे 2 आउट 3 आउट थे और फिर सडनली 336 पे ऑल आउट हो गया, 360 पे ऑल आउट हो गए और वो टेस्ट मैच भी हार गए। तो जब मैं पाकिस्तान में पहुंचा और 100 रन तक मैंने 6-7 छक्के लगा दिए थे, तो सचिन बैटिंग करने आए तो उन्होंने कहा कि अगर अब तूने छक्का मारा ना मैं तेरे को बैट से मारूंगा, तो मैंने कहा यार लेकिन ऐसा क्यों, तो बोले नहीं तेरी वजह से हम लोग पिछला टेस्ट मैच आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, तूने 195 छक्का मारने हैं, तो लिटरली मैंने 110-120 के बाद से लेकर 295 तक छक्का नहीं मारा,
अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे। सो 295 हो गए, तो तब मैंने उनको बोला कि नहीं यार मैं अब छक्का मारूंगा। कह रहा तू पागल हो गया, तू पहला प्लेयर बनेगा 300 रन। मैं कहा 295 भी किसी ने नहीं बनाया, मैं बन गया पहला प्लेयर। सो मैं कहा मेरे बाद जो हाईएस्ट है वो 281 है। तो कह रहे तू पागल, अच्छा ठीक है। तो मैंने स्टेप आउट किया अगले ओवर में, सचिन मुश्ताक को छक्का लगा यार 300 रन बनाए। तो मुझसे ज़्यादा वो खुश हुए सचिन तेंदुलकर। तो वो प्यार उन्होंने मुझे दिया, दिखाया मेरे लिए। वो ये चाहते थे कि यार ये खड़ा रहेगा तो पता है तेज खेलेगा, हमारी टीम के रन जल्दी बन जाएंगे, टाइम ज़्यादा मिलेगा हमें ऑलआउट करने को दूसरी टीम के लिए। चलिए कुछ ऑडियंस से सवाल लेते हैं। शालिनी मस्त मौला, वीरेंद्र सहवाग और मुल्तान के सुल्तान को 2007 में कप्तान बनते बनते रह गए और अभी कोच बनते बनते रह गए, तो कहीं ना कहीं मलाल है सर? सब कुछ पा लिया और इस चीज का मलाल है? बिल्कुल भी नहीं है मलाल, क्योंकि मैं खुश हूँ ना जो मुझे मिला। नजफगढ़ के एक छोटे से घर फैमिली से आया हूँ जो फार्मिंग करती है, और उससे आकर इंडिया खेला है, मतलब इतनी परफॉर्मेंस दे दी, इतना प्यार दे दिया, आप लोगों ने नाम दे दिया, वो बहुत है। कप्तान बन जाता तो मुझे इज्जत दूसरी तो नहीं देता ना, यही देता ना जो भी दे रहे हैं। कोच बन जाता तो भी यही देते। कोच बनना चाह रहे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे मैं तो अप्लाई भी नहीं करता। अगर विराट कोहली या मुझे BCCI सेक्रेटरी उस समय अमिताभ चौधरी थे, वो अप्रोच नहीं करते, तो उन्होंने मुझसे पूरी मीटिंग की कि भाई इन दोनों अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच में कुछ जम नहीं रही है, तो हम चाहते हैं कि आप अप्लाई करो, आप कोच बनो। सो उस समय तो अप्लाई भी नहीं था। उन्होंने कहा था बस आप कॉमेंट्री करने जा रहे हो 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी, वहाँ से अनिल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आप टीम लेके वेस्ट इंडीज चले जाना। तो मैंने ना हाँ दी ना ना दी, मैंने कहा ठीक है, बट मैंने ये जरूर कहा कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरा स्टाफ जाएगा, तो जो मेरा मैं कोच हूँ, असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और फिजियो ट्रेनर, ये सब मैं अपने चॉइस के लेके जाऊँगा। तो अगर इतनी चॉइस दे दी मैंने कि मुझे मिल जाती तो मैं कोच बन के चला जाता, वो मुझे मिली नहीं तो मैं गया नहीं। आखिरी सवाल पाजी, क्योंकि आपके दो साथी हरभजन सिंह और गौतम गंभीर पहले से राजनीति में हैं और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, वीरेंद्र सहवाग राजनीति की पिच पर अगले लोकसभा चुनाव में उतरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक बार पहले आपको ऑफर शायद मिल चुका है? ये हर बार जब इलेक्शन होता है ये सवाल जरूर आता है हर बार। सो ये, और मैं उसका एक ही जवाब देता हूँ कि मैं सारी लाइफ ना कॉन्ट्रैक्ट पे खेला हूँ, अगर कोई पार्टी मुझे कॉन्ट्रैक्ट देगी 5 साल का तो मैं जरूर। तो चलते चलते वो गीत तो बता दीजिए जो, या सुना दीजिए जो आप पाकिस्तानियों को सुनाते थे। क्या गाना वो जो गीत गुनगुनाते थे आप? बहुत सारे, मतलब उस समय मैं किशोर कुमार के गाने गुनगुनाता था, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, दोस्ताना का था, तेरे जैसा यार का। मैं लय, मतलब सिंगर नहीं हूँ यार। हाँ। सो बेसुरा गाऊंगा। अगर वो लोग फील्ड पे सुन सकते हैं तो हम यहाँ तो सुन ही सकते हैं चौपाल पे, बट उन्होंने ये नहीं कहना है तो सुर में सुना। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, दिलों की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। तो चले जाते हैं किसी की धुन में और इन्हीं की धुन पे देश चलता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए। बिग अप्लॉज फॉर वीरेंद्र सहवाग।